हेलो फ्रेंड्स, आप आईएएस डेली स्टैटिक एमसीक्यू डिस्कशन सीरीज में आपका स्वागत है। हम आज अपने डिस्कशन में भारतीय अर्थव्यवस्था के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और उससे जुड़े हुए जानकारियों पर विचार करेंगे। चलिए हम आज का अपना डिस्कशन शुरू करते हैं। हमारे डिस्कशन का पहला प्रश्न क्या कहता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। दो कथन दिए गए हैं, आपको सही कथन की पहचान करनी है। पहला कथन कहता है, आर्थिक विकास हमेशा मुद्रास्फीति को बढ़ावा देगा। जी नहीं, ऐसा नहीं है। यदि किसी देश का आर्थिक विकास तीव्रता से हो रहा हो और इस आर्थिक विकास के बीच मांग और आपूर्ति के बीच में असंतुलन हो और इस असंतुलन के बीच में भी यदि मांग ज्यादा हो आपूर्ति कम हो तो उस कंडीशन में मुद्रास्फीति बढ़ेगी, अन्यथा नहीं बढ़ेगी। यदि किसी देश का आर्थिक विकास तीव्रता से हो रहा हो, उस देश की सरकार मांग और आपूर्ति के बीच संतुलन स्थापित करने में सफल रहती है तो यह जरूरी नहीं है कि मुद्रास्फीति बढ़ेगा। इसलिए पहला कथन गलत हो जाता है, इसमें हमेशा के बारे में कहा गया था। दूसरा कथन कहता है, आर्थिक विकास से हमेशा गरीबी में कमी आएगी और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होगी। फ्रेंड्स, यदि किसी देश का आर्थिक विकास हो रहा हो और उस देश की जनसंख्या ज्यादा हो तो उस कंडीशन में यह जरूरी नहीं है कि उस देश का गरीबी कम होगा। यदि आर्थिक विकास होगा तो हो सकता है कि उसका जो फायदा हो वो उच्च वर्ग को ही मिले, आर्थिक विकास का फायदा निम्न वर्ग को न मिले। तो इस कंडीशन में हम नहीं कह सकते कि हमेशा गरीबी कम होगी। साथ ही इस बात की भी गारंटी नहीं दी जाती है कि आर्थिक विकास हो रहा हो तो प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होगी। इस कंडीशन को भी आप इसी तरह से देख सकते हैं कि यदि आर्थिक विकास किसी देश का तीव्रता से हो रहा हो लेकिन जनसंख्या ज्यादा हो तो उस कंडीशन में हम नहीं कह सकते कि प्रति व्यक्ति आय में भी वृद्धि होगी। वृद्धि तो होगी लेकिन तुलनात्मक रूप से कम होगी। इन दोनों ही कंडीशनों को आप भारत के मामले में देख सकते हैं। भारत की आर्थिक विकास दर तुलनात्मक रूप से बहुत सारे देशों से ज्यादा है लेकिन गरीबी के मामले में भी हम बहुत आगे हैं। वैसे ही प्रति व्यक्ति आय के मामले में हम बहुत ज्यादा पीछे हैं। तो इन दोनों कथनों के हिसाब से हमने देखा, कुछ जो कॉन्सेप्ट जुड़े हुए थे उन्हें हमने समझने की कोशिश की, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी होगा क्योंकि पहला और दूसरा दोनों के दोनों कथन गलत हैं। तो आप इसे समझने की कोशिश करेंगे। यूपीएससी जो प्रश्न पूछती है वो इसी प्रकार के कॉन्सेप्ट से जुड़े हुए प्रश्न पूछती है, आप ध्यान रखेंगे। हमारे डिस्कशन का दूसरा प्रश्न क्या कहता है, न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। दो कथन दिए गए हैं, एमएसपी के बारे में सही कथन की पहचान करनी है। पहला कथन कहता है, एमएसपी की घोषणा भारत सरकार द्वारा तीनों मौसमों के दौरान उगाई जाने वाली सभी फसलों के लिए की जाती है। फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है। एमएसपी की घोषणा भारत सरकार के द्वारा फसलों के उगाए जाने से पूर्व टोटल 22 फसलों के लिए की जाती है, जिसमें से 6 फसल रवि के हैं, 14 फसल जो हैं वो खरीफ के हैं और 2 फसल जो हैं वो वाणिज्यिक हैं। तो इसे आप ध्यान रखेंगे। पहला कथन इसलिए गलत है क्योंकि यहां कहा गया था तीनों मौसमों में सभी फसलों के लिए, पहला गलत हो जाता है। दूसरा कथन क्या कहता है, खाद्यान्न के लिए एमएसपी आवश्यक रूप से अनाज के बाजार मूल्य से अधिक रखा जाता है। आप यदि कथन में देखें तो यहां कहा गया है न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस, तो वो अधिकतम कैसे हो सकता है, न्यूनतम रहेगा, बाजार में न्यूनतम इतनी कीमत पर उसे बेचा ही जाएगा जितनी की घोषणा भारत सरकार के द्वारा की जाएगी। यानी कि यदि चावल की कीमत प्रति क्विंटल घोषित कर दी गई है कि 1200 रुपया होगा तो इससे कम नहीं होगा, यानी कि यह न्यूनतम होता है अधिकतम नहीं होता है। तो आप इसे ध्यान रखें। इस क्वेश्चन के हिसाब से क्या होगा, ऑप्शन डी आंसर होगा क्योंकि दोनों के दोनों कथन क्या है, गलत है। अगर हम बात करें एमएसपी के बारे में तो ये चयनित फसलों के ऊपर कुल 22 फसलों पर घोषित किया जाता है, इसे आप याद रखें। उसमें से जो 14 फसल होते हैं वो खरीफ के होते हैं, इनको आप एक बार गो थ्रू हो जाएं क्योंकि यूपीएससी ने आई थिंक 2018 में प्रश्न पूछ चुकी है,
तो इसलिए आप एक बार देखें, धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, रागी, अरहर, मूंग, उड़द, मूंगफली, सोयाबीन, सूरजमुखी, तिल, निगर्ड्स और कपास। उसके बाद रवि की फसल है 6, उसमें गेहूं, जौ, चना, मसूर, सरसों और कुसुम। 2 वाणिज्यिक फसल है जिसमें जूट और खोपरा। उसके अलावा एक अन्य है, 2 अन्य है जिस पर जारी किया जाता है, वो टोरिया और डी मतलब जो नारियल का छिलका होता है उस पर किया जाता है। ये जरूरी नहीं है कि इस पे किया जाए, कभी किया जाता है कभी नहीं भी किया जाता है, तो इसलिए ये हमेशा 22 पर तो हमेशा किया ही जाता है, लेकिन इन दोनों पर नहीं भी किया जा सकता है, किया भी जाता है तो ये इस बात को ध्यान में रखेंगे। गन्ना के ऊपर FRP दिया जाता है, जो MSP होता है उससे 10 रुपया ज्यादा होता है, तो ये भी आप ध्यान रखें। और जैसे मैंने आपको बताया कि MSP जो होता है वो न्यूनतम होता है, जितना बाजार की कीमत होगी, बाजार में जितना सरकार के द्वारा घोषित किया गया है उससे कम कीमत पर बेचा नहीं जा सकता, उससे कम कीमत पर खरीदा नहीं जा सकता, उससे अधिक कीमत पर बेचा या खरीदा जा सकता है, तो इसे आप ध्यान रखें MSP के बारे में। हमारे डिस्कशन का तीसरा प्रश्न क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा गैर कर राजस्व प्राप्तियों के घटक नहीं है, यानी कि कौन सा कर राजस्व प्राप्ति का घटक है, यहां कह रहा था कौन सा गैर कर राजस्व प्राप्ति का घटक नहीं है, यानी कि आपको चुनना है कि कौन सा कर प्राप्ति राजस्व का घटक है। आपके दिए गए ऑप्शन में क्या है, सरकारी यानी कि सरकार सार्वजनिक उपक्रमों से लाभांश या मुनाफा कमा रही है, ये तो गैर कर हो गए। दूसरा माल एवं सेवा कर, ये होगा क्योंकि ये टैक्स के रूप में लिए जाते हैं। सरकार केंद्र सरकार से अनुदान प्राप्त करने वाली राज्य सरकारें, जी नहीं, ये गैर कर राजस्व है। संपत्ति कर, कर राजस्व है। वैट, कर राजस्व है, यानी कि आपको यही पहचान करना था, कर राजस्व, कर राजस्व यानी कि 2, 4 और 5, 2, 4 और 5 ऑप्शन सी, तो इसे आप ध्यान रखें। इससे जो जुड़ी हुई जानकारी है उसे देखते हैं। कर राजस्व, जो राजस्व प्राप्ति होती है भारत सरकार को, वो 2 प्रकार की होती है, एक तो कर राजस्व होती है, दूसरा होती है गैर कर राजस्व। जो कर राजस्व होती है वो फिर से 2 प्रकार की होती है, एक डायरेक्ट टैक्स, एक इनडायरेक्ट टैक्स, मतलब प्रत्यक्ष कर, एक अप्रत्यक्ष कर। जो प्रत्यक्ष कर होते हैं उनके अंतर्गत कर राजस्व, कॉरपोरेट कर, उपहार कर, धन कर, संपत्ति कर, ये आते हैं प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत। अप्रत्यक्ष कर के अंतर्गत सबसे पहले तो GST आता है, बिक्री कर आता है, और वैट आता है, ठीक है। तो आपने कर राजस्व और गैर कर राजस्व के बारे में देख लिया। जो गैर कर राजस्व होते हैं वो सरकार से सीधे सीधे वसूल नहीं किए जाते, वो अलग तरीके से सरकार तक पहुंचते हैं। कैसे, यदि भारत सरकार के अंतर्गत बहुत सारे सार्वजनिक उपक्रम का संचालन किया जाता है, यदि उनसे लाभांश की प्राप्ति हो रही हो, उनसे मुनाफे प्राप्त हो रहे हो, तो उनको हम क्या कहेंगे, गैर कर राजस्व, यानी कि कर के माध्यम से जनता के द्वारा सरकार को नहीं दिया जा रहा है। वैसे ही यदि सरकार बाहरी या फिर आंतरिक उधारकर्ताओं से धन कमाती है, यानी कि भारत सरकार के द्वारा बाहर किसी देश को, मान लेते हैं कि श्रीलंका को पैसा दिया गया है, यदि इस पैसे से भारत को राजस्व की प्राप्ति हो रही है तो उसको हम गैर कर राजस्व कहेंगे, ठीक। अगला, स्टंप प्रिंटिंग, करेंसी प्रिंटिंग, मेडल प्रिंटिंग, इनके माध्यम से भी सरकार को धन की प्राप्ति होती है, तो ये भी उसी में शामिल होंगे। ऐसा पैसा जो फीस के रूप में, हर्जाना के रूप में या फिर जुर्माना के रूप में सरकार को प्राप्त हो रही है, आपने देखा होगा रोड पर जो ट्रैफिक पुलिस के द्वारा जो पैसा इकट्ठा किया जाता है वो इसी के अंतर्गत आता है, फीस या फिर जुर्माना के अंतर्गत, ठीक। तो ये गैर कर राजस्व हो गए। वैसे ही भारत सरकार को यदि कोई दूसरा देश या तो अनुदान देता है या फिर जब डिजास्टर इत्यादि हो जाते हैं तो उस कंडीशन में भी बहुत सारे लोग भारत को मदद करते हैं, तो वो भी गैर कर राजस्व के अंतर्गत ही आएगा। इसी तरह यदि राज्य सरकारों को केंद्र सरकार के द्वारा अनुदान दिया जाता है तो उसे भी गैर कर राजस्व के अंतर्गत ही रखा जाता है, तो आप इन सारी बातों को ध्यान रखें। हमारे डिस्कशन का चौथा प्रश्न क्या कहता है, प्रबंधित विनिमय दर प्रणाली के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 2 कथन दिए गए हैं, आपको सही कथन की पहचान करनी है। किसके बारे में, प्रबंधित विनिमय दर प्रणाली के बारे में। पहला कथन क्या कहता है, भारी
पूंजी प्रवाह के समय आरबीआई कभी कभी डॉलर की खरीद में हस्तक्षेप करता है और इसे प्रबंधित फ्लोट के रूप में जाना जाता है। फ्रेंड्स, ये कथन बिल्कुल सही है। विनिमय दर कहने का मतलब होता है पैसे का लेन देन, मतलब विदेशी मुद्रा की एक इकाई का घरेलू मुद्रा के अभिव्यक्त किए गए मूल्य को विनिमय दर कहा जाता है। इसे आप जान लिए, मतलब एक टोकरी होती है और उस टोकरी में बहुत सारे मुद्राओं को रख लिया जाता है और देखा जाता है कि किसी देश की तुलना में, मतलब अन्य देशों की तुलना में किसी देश का जो मुद्रा का लेन देन हो रहा है वो कैसा हो रहा है, उसको, उस प्रणाली को क्या कहा जाता है, विनिमय दर कहा जाता है। ठीक, अब ये कहा भारत में क्या है, भारत में तीन तरह से, मतलब पूरी दुनिया में तीन तरह के विनिमय दर होते हैं। एक तो स्थिर विनिमय दर होती है, दूसरा लचीली विनिमय दर होती है, और तीसरा क्या होता है, प्रबंधित विनिमय दर होती है। जो स्थिर होती है उस देश में केंद्रीय बैंक के द्वारा फिक्स कर दिया जाता है कि जो विनिमय दर होगा, जो रेट होगा, वो इससे ना तो ज्यादा जाएगा ना तो कम जाएगा। लचीली होती है, उसको बाजार पर छोड़ दिया जाता है कि बाजार में यदि मांग ज्यादा है तो विनिमय दर की कीमत ज्यादा होगी, यदि मांग कम है तो विनिमय दर की कीमत कम हो जाएगी, तो इस तरह से होता रहता है। लेकिन एक और जो विनिमय दर प्रणाली है उसको प्रबंधित कहा जाता है, मतलब उसमें केंद्रीय बैंक कुछ मामलों में लचीली छोड़ देती है और कुछ मामलों में उसका देखरेख करती है, मतलब एक टनल बना दिया जाता है, यहां इसके बीच में आपको जितना मांग और आपूर्ति करना है करते रहो, लेकिन जैसे ही यदि मांग इस सीमा से ज्यादा हो गया तो यहां पर केंद्रीय बैंक आकर रोकने की कोशिश करेगी। ऐसा ही यदि मांग बहुत ज्यादा कम हो गया तब भी आरबीआई यानी कि जो केंद्रीय रिजर्व बैंक होती है वो आकर फिर से हस्तक्षेप करेगी। तो इन सारे कंडीशन को क्या कहा जाता है, प्रबंधित विनिमय दर प्रणाली। अब आपने इसको समझ लिया, अब हम दूसरे कथन को देखते हैं। पहला तो बिल्कुल सही था, दूसरा क्या कहता है कि इस हस्तक्षेप का उद्देश्य रुपये की विनिमय दर में उतार चढ़ाव को कम करना है। जी हाँ, मैंने यही बताया कि जो एक टनल बना दिया जाता है और उसके अंदर ही किसी देश की करेंसी जो होती है वो घटती बढ़ती रहती है मांग आपूर्ति के आधार पर। तो ये प्रबंधित विनिमय दर प्रणाली के बारे में पहला और दूसरा दोनों कथन सही है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, तो आप इसे ध्यान में रखेंगे। हमारे डिस्कशन का पांचवा और अंतिम प्रश्न क्या कहता है, 1950 से 1990 के बीच भारत में नियोजन प्रणाली के लक्ष्य निम्नलिखित में से कौन से थे। 1991 में तो एलपीजी आ गया, अब आपको यह पूछ रहा है कि एलपीजी से पहले भारत में जो नियोजन की प्रणाली थी वो कैसी थी, निर्यात को बढ़ावा देने वाली, औद्योगिकीकरण से संबंधित, आत्मनिर्भरता से संबंधित, या फिर इक्विटी पर आधारित। तो फ्रेंड्स, आप याद कर लीजिए 1991 से पहले जो भारत की नियोजन प्रणाली थी वो निर्यात को बढ़ावा देने वाला भी रहा है, साथ ही वो औद्योगिकीकरण पर ही था। जो दूसरा प्लानिंग कमीशन आया था वो औद्योगिकीकरण पर आधारित था, पहला जो था वो कृषि पर आधारित था, वैसे ही चौथा पांचवा जो था वो इसी पर आधारित था, लेकिन छठा सातवां जो था वो निर्यात को बढ़ावा देने वाला था। सारे में आत्मनिर्भरता की बात की गई है, कृषि की बात की गई है, इक्विटी पर आधारित कौन था, जब इधर आठवां नौवां आ जाता है तब इक्विटी पर आधारित हो जाता है। तो 1950 से लेकर 1990 के बीच में कहीं ना कहीं ये चारों तत्व नियोजन प्रणाली के अंतर्गत रही हैं, यानी कि इस क्वेश्चन के हिसाब से ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, तो आप इसे ध्यान में रखेंगे। 1991 के बाद क्या हुआ, हम जरूर उससे संबंधित प्रश्न आपके समक्ष लेकर आएंगे और उसके बारे में जो भी जानकारी होगी हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। यहां पर आंसर ऑप्शन डी नहीं होगा, ये ए होगा, तो इसे भी आप ध्यान रखेंगे। तो यह हमारा आज का डिस्कशन था, हम अपने आज के डिस्कशन को यहीं रोकते हैं, आप हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू वेरी मच।